हमारे टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन पदे में हैं। बलवंत जी, सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब आधार को अनिवार्य बना दिया है, और इस कदम के बाद क्या ये नियम एनआरआई और विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा? प्रियंका, ये जो आधार कार्ड को पैन से जोड़ने का जो डिसीजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है। अभी ये जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है वो 139 की डबल ए धारा है, उसमें ये मैंडेटरी हो गया है कि अगर आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है या पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करना है तो 1 जुलाई के बाद में आपको आधार कार्ड जरूरी है। जहां तक प्रश्न एनआरआई के लिए जरूरी है तो ये सेक्शन प्रोवाइड करता है कि जो भी व्यक्ति आधार कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है उसके लिए मैंडेटरी है। तो जो व्यक्ति इंडिया में एप्लीकेशन करने के समय पिछले 1 साल में 182 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रहे तो वो आधार कार्ड अप्लाई कर सकता है। तो नॉन रेसिडेंट अगर इंडिया में नहीं है 182 दिन से ज्यादा तो उनके लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। पर जहां तक प्रश्न एक्सपेक्ट्स है, जो फॉरेनर्स यहां आके नौकरी करते हैं, नेचुरली यहां 182 दिन से ज्यादा रहते होंगे, तो उनके लिए ये मैंडेटरी, उनको आधार अप्लाई करना पड़ेगा। और ये तो हुआ जवाब अपना इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने का। इसके अलावा भी जिनके पास पैन कार्ड है उनको भी अपना आधार कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। दो नंबर इनफैक्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, एक है कि आपके पास पैन नंबर हो और दूसरा है आधार नंबर, बेहद जरूरी। और इन दो बातों को गांठ बांध दीजिए, क्योंकि बलवंत जी बार बार आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि अगर पैन नहीं है तो पैन बनवा लीजिए, उसे बैंक अकाउंट से आपको मैप करवाना है, आधार नहीं है तो आधार बनवा लीजिए और कम से कम अप्लाई तो कर ही दीजिए और इनरोलमेंट नंबर हासिल